स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण के लिए नामांकन जारी है। शनिवार को श्रावस्ती विधानसभा से भाजपा तथा बसपा, जबकि भिलिंगा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन कराया। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश ने दी है। उन्होंने बताया कि पांचवें दिन चार नामांकन पत्र भी बिके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शनिवार को विधानसभा क्षेत्र 289 भिलिंगा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इंद्राणी वर्मा ने नामांकन किया है, जबकि विधानसभा 290 श्रावस्ती से भाजपा उम्मीदवार रामफेरन पांडे और बसपा उम्मीदवार नीतू मिश्रा ने रिटर्निंग अफसर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वही भिलिंगा विधानसभा क्षेत्र से प्रखर कलायंस रामस्वरूप रामकिशोर गुप्ता अय्याज तथा श्रावस्ती विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार त्रिभुवन प्रसाद के द्वारा नामांकन पत्र खरीदा गया है। आज हम समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें भिलिंगा 289 से इंद्राणी वर्मा को कैंडिडेट बनाया, इसके लिए मैं अपनी 289 की समस्त जनता की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव? अब आपने 12 से 17 तक नहीं देखा कि हमने कितना विकास किया है 289 भिलिंगा और जनपद श्रावस्ती में कितना विकास हुआ है। हमारे नेता 5 बार जनपद श्रावस्ती में आए और हौसला पोषण मिशन मोतीपुर कला से लागू हुआ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीनी थे, जमीन पर बैठ के थारू जाति के लोगों के बीच में उनकी बात सुन करके, उनकी पीड़ा को सुन करके, और वहाँ सोलर प्लांट 2 गांव सभा में लगा जो आज उस गरीब जनता को पूरा आधारभूत शिला मिला है और उससे उनका पूरा घर का पूरा कारोबार चल रहा है। 12 में आपने देखा, चाहे आपका तहसील हो मल्लीपुर का, चाहे 4 लेन हो, चाहे 2 लेन हो, चाहे मधवापुर का पुल हो, चाहे सैकड़ों गाँव को समग्र विकास योजना से जोड़ना हो, चाहे मान्य जनेश्वर मिश्र योजना से गाँव को जोड़ना हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे इंडिया मार्का नल हो, गाँव की गलियों का सड़क नाली हो, चाहे आपके जिला हॉस्पिटल में जो बच्चों को, जो छोटे बच्चों के लिए ICU रूम बना है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। तो हमारी तो विकासवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हमने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अपने 290 विधानसभा श्रावस्ती से जनता का आशीर्वाद लेकर के और नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव का मुद्दा तो हमारा विकास का मुद्दा है, ये हमारे पार्टी के संकल्प में भी है। सुशासन का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और इसी राह पर हमारी पार्टी चल करके और प्रोग्रेस लगातार 14, 17 और 19 का चुनाव विजय हासिल किया है और 22 में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चुनाव में मेरा श्रावस्ती जनपद अब पिछड़ा है। यहाँ पर मेरे महिलाओं का शिक्षा और जो गुंडागर्दी है, महिलाएं या लड़कियां सह रही हैं, वो गुंडागर्दी ख़त्म करना है और जो यहाँ पशुओं का है वो, और यहाँ ककराहा का जो पुल हम क्षेत्र में देख रहे हैं और उधर मल्लीपुर रोड देख रहे हैं जमुना क्षेत्र में और यहाँ गिलौला में, ये सब शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगारी मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा और दुआबा के लिए मुझे ककराहा पुल मुख्य मुद्दा रहेगा। सब ठीक, थैंक यू।